इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन सभा जंगपुरा भोगल दिल्ली, प्रधान प्रवीण कुमार जैन, उप प्रधान प्रवीण कुमार जैन RPJ, महासचिव राकेश कुमार जैन, सह सचिव दीपक जैन गढ़ी, कोषाध्यक्ष राजेश जैन HPL। महानुभाव, आज वैसे माघ मास के परिश्रम पर्व का द्वितीय दिवस उत्तम मार्दव धर्म, मार्दव मान का मर्दन करना, अहंकार का नाश करना, अपने अस्तित्व को समाप्त करना, यह होता है मार्दव। आपने देखा होगा जब पानी गिरता है, बादल बरसते हैं, बादल गरजते हैं, और जब वह बारिश के रूप में नीचे गिरा करते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी पानी की बूंदें होती हैं, बहुत सारा पानी नाली में जाता है, बहुत सारा पानी कुएं में जाता है, बहुत सारा पानी सरोवर में जाता है, लेकिन जो पानी की छोटी सी बूंद होती है, जो वह बूंद अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, अपने आप को मिटा देती है, पिट जाती है, तो बूंद जाकर तालाब में मिलती है, तालाब से जाकर सागर में मिलती है, और वह महासागर का रूप हो जाती है। अर्थात छोटी सी एक बूंद है, जब तक वह सागर के बाहर है तो वह पानी की छोटी सी बूंद कहलाती है, लेकिन जब सागर में से निकलती है तो सागर का पानी कहलाया करती है, कि छोटी सी बूंद ने अपना अस्तित्व छोड़ा, अपना अहंकार छोड़ा, अपना मान का दर्मन किया, मर्दन किया, तो क्या हुआ कि वह सागर का पानी कहलाने लगी। जिस तरह से आप सभी लोग अपने परिवार में रहते हैं, अपने मित्रजनों के बीच में रहते हैं, अपने कुटुंबियों के बीच में रहते हैं, और वहाँ कर जाने के बाद देखिए बातें दो तरह से होती हैं। लोग मेरे पास में आते हैं, मैं पूछता हूँ परिवार में कौन कौन है, तो कहते हैं महाराज जी मैं हूँ, मेरे दो बच्चे हैं और मेरी माँ मेरे साथ रहती है। और एक व्यक्ति आता है, उससे मैं पूछता हूँ परिवार में कौन कौन है, उन्होंने कहा महाराज जी हमारे दो बच्चे हैं, हम लोग दो हैं और हम अपनी माता के साथ में रहते हैं। अंतर दोनों में कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या है, अंतर देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर है। ध्यान रखिएगा, हम लोग गुरु के संघ में रहते हैं, हम लोग भगवान की शरण में रहते हैं, ना कि भगवान और गुरु हमारे साथ में रहते हैं। कल परसों लोग आए, वो कहने लगे महाराज जी जब 7-8 साल पहले आप आए थे दिल्ली में तो आप के संघ में आचार्य भी थे। मैंने कहा नहीं, बोले महाराज जी थे, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं उनके संघ में था, मेरी इतनी हिम्मत, मेरी इतनी ताकत कहा कि मैं गुरु को साथ में रख सकूं, मैं उनके साथ में था, मैं जिनवाणी माता के साथ में रहता हूं, मैं भगवान की शरण में रहता हूं, क्यों, क्योंकि इनकी मैं शरण में रहूंगा तो सदैव मेरी रक्षा होगी, सदैव मेरे जीवन का यापन होगा। जब माता पिता की शरण में बच्चा रहता है तो उसको जीवन में क्या होता है, सदैव रक्षा मिलती है, और जब आप किसी को अपने साथ में रखोगे तो उसकी रक्षा आपको करना पड़ेगी, उसकी सुरक्षा आपको करना पड़ेगी, उसकी व्यवस्था आपको करना पड़ेगी। जब तक बच्चा व्यापार में आता नहीं है तब तक माता पिता उसको पैसे देते हैं कि ले भाई तू अपने हिसाब से खर्च कर लेना, और लेकिन जब बच्चा व्यापार में आ जाता है तो व्यापार चले ना चले, सर्विस में पैसे आए ना आए, माता पिता बोलते इसके पास तो पैसे होंगे ही होंगे, क्यों, क्योंकि जब तक वह अधीन था तो सारी व्यवस्थाएं थी, और जब वह स्वाधीन हो गया तो उसके साथ में क्या हो रहा, कुछ नहीं रहा। कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान को बहुत भूख लगी हुई है, बहुत तेजी की भूख लगी हुई है, और कहीं पर भोजन करने बैठे और वहां पर कोई कहे कि आज तो आप बाहर से आए हो तो बड़ा नाश्ता वास्ता करके आए होगे,
आप बाहर से आ रहे हो, घर से आ रहे हो, कहीं उससे नाश्ता वास्ता करके आ रहे होगे, तो आदमी क्या बोलेगा? यदि वो कहता नहीं नहीं करके आया तो इंसल्ट फील करता है, और कहता है करके आया तो नाश्ता तो मिलना नहीं, भोजन तो मिलना नहीं, तो आदमी बड़ा असमंजस में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब होता है, और दूसरा उसके साथ में एक छोटा बच्चा है जो बाजार में अपने पिताजी के साथ नाश्ता करके आया, माँ ने चॉकलेट जेब में रख के दी, चाचा ने बिस्किट का पैकेट दिया, उसके बाद में जब वो अंदर आता है बोले इसको चॉकलेट दो, इसको बिस्किट दो, इसको नाश्ता दो, इसको गुलाब जामुन दो। क्यों? क्योंकि उनको पता है बच्चे को कौन खिलाने वाला है। और यही तो बात है कि बच्चे को सब लोग खिलाने वाले हैं, सब लोग बताने वाले हैं। खिलाना समझते हैं, एक होता है गोद में खिलाना और एक होता है खाना खिलाना, भोजन कराना। बचपन में क्या होता है, बचपन में बच्चों को लोग गोद में खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वह छोटा होता है, और जब वह ज्यादा बड़ा हो जाता है तो कहते हैं भैया एक काम करो, छोटे भाई को थोड़ा देख के रखना, मैं मंदिर से आ रही हूं। पहले उसको देखने के लिए लोग हुआ करते थे, लेकिन बाद में क्या करते, छोटे भाई को देखना, मैं मंदिर से आ रही हूं, समाज में समुदाय से आ रही हूं, कई दोस्तों से मिलकर आ रहे हैं, आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आदमी लघु होता है, विनम्र होता है, तब तक उसके जीवन में सज्जनता का प्रादुर्भाव हमेशा होता रहता है। लघुता से प्रभुता मिले, लघु से तात्पर्य यह नहीं है कि जो आदमी छोटे कद का है वह लघु है। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी वो तो बहुत बड़ा आदमी है। अगले दिन दोनों आए, तो मैंने कहा कल तो आप कह रहे थे कि वो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन ये तो तुमसे भी हाइट में छोटा है। अरे बोले महाराज जी मेरा मतलब वो नहीं था। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि जीवन में जितना जितना इंसान लघु होता है उतना 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 उसके जीवन में मिलता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, मान को तो समाप्त करना ही पड़ता है। इंसान सब कुछ जगह मान कर सकता है, लेकिन जब भोजन करने बैठेगा तो थाली के सामने, थाली में भोजन आ जाएगा तो मुंह को झुका कर ही खाना पड़ेगा। पानी चाहे आप बोतल से ऐसे पी लो, लेकिन खाना ऐसा खा सकता है कोई? कोई नहीं खा सकता। बोतल से पानी तो तरह से पी सकता है, वो भी गलत है, और इस तरह से जो पीते हैं ना उनको लोग गलत समझते हैं। इस तरह से जो बोतल से पीते हैं, चाहे पानी पिए, चाहे दूसरी चीज पिए, चाहे रंगीन पानी पिए, चाहे कोई दूसरा पानी पिए, उसको लोग गलत समझते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह से ग्लास में झुककर पीता है, झुककर खाता है, तो उसको लोग अच्छा और सज्जन समझते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को पानी इस तरह से पीते देखा है, लेकिन आज तक मैंने खाना खाते ऐसे किसी को नहीं देखा। कोई खा ही नहीं सकता, कोई खा ही नहीं सकता खाना। क्यों? क्योंकि देखिए जो असलियत है, जो वास्तविक स्वरूप है, उसमें तो इंसान को जीना ही पड़ेगा, उसमें तो इंसान को चलना ही पड़ेगा। तो जीवन में लघुता से धीरे धीरे करके प्रभुता मिल जाती है। कहते हैं एक बार रामायण का प्रसंग चल रहा था, रामचंद्र जी जब लंका विजय करके आए तो उन्होंने अपने सारे सहयोगियों को कुछ ना कुछ दिया। राम सीता बैठे थे। आपको एक बात बताता हूं कि जहां पर पारसनाथ भगवान का नाम आता है वहां पर पद्मावती माता जी धर्णेंद्र का नाम आता ही आता है। उसी तरह से जहां पर रामचंद्र जी का नाम आता है वहां पर किनका नाम आता है? सीता का अभी ना आवे, लेकिन हनुमान का जरूर आएगा। सीता जी का आवे ना आवे, लेकिन हनुमान का नाम जरूर आएगा। भक्त भगवान का नाम जहां पर आएगा वहां पर भक्त का, पुजारी का जरूर आएगा। भगवान की जब आरती करते हैं तो माता पिता का नाम आता है, सब कुछ आता है, लेकिन उसके पहले जो भगवान के भक्त आरती लेकर आए। आप महाराजों की आरती पढ़ते हो, महाराज जी का नाम बाद में आता है, लोग कहते हैं जय जय गुरु और भक्त पुकारे, पहले भक्त का नाम बाद में महाराज का नाम बाद में उनके गुरु का नाम। ये संसार की स्थिति है। तो वहां पर रामचंद्र जी थे, सीता देवी थी, हनुमान जी थे और दरबारी थे, सबको रामचंद्र जी ने कुछ ना कुछ देकर संतुष्ट किया। उन्होंने मन में आया, सीता ने कहा कि सबसे ज्यादा साथ हनुमान ने दिया। हनुमान जी समझते ना, बजरंग बली, हमारे जैन धर्म में हनुमान जी को कामदेव का रूप बताया गया, मोक्ष गए हैं मांगी तुंगी से। तो वहां पर हनुमान जी की बात आई तो सीता जी ने कहा कि हनुमान जी को तो कुछ नहीं दिया, आपने दुनिया में सबको सब कुछ दे दिया। तो रामचंद्र जी बोले ये बात तो सही है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सबको देना दे देते हैं, लेकिन अपने आस पड़ोस वाले को भूल जाते हैं,
घर में बच्चे नहीं कहते पूरी दुनिया को बांट रहे हैं, मुझे मिल ही नहीं रहा। तो कई बार ऐसा हो जाया करता है जिंदगी में, कई बार ऐसा हो जाया करता है कि क्या होता है, जो मिठाई का डिब्बा लेकर बांटने जाता है कई बार उसके हाथ में खाली डिब्बा रह जाता है। तो आजकल लोग समझदार हो गए, पहले खा लेते फिर बांटने जाते हैं, पहले खा लेते हैं उसके बाद में बांटने जाते हैं, बोले पेट तो भर जाए, भंडारा लग रहा है, निःशुल्क भंडारा। भंडारा क्यों लग रहा है, बोले असहाय लोगों को भंडारा। पहले कहते 100 पेट साइड में रख देना, अपने समाज के लोग भी आएंगे। 1000 लोगों का भंडारा चल रहा है तो बोले 100 पहले प्लेट साथ में रख देना, समाज के लोग भी तो आएंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, नाम है निःशुल्क भंडारा, और जो शुल्क लेकर है वो भी ले रहा है। तो हनुमान जी की बात चली, वहां पर हुआ प्रसंग चला, उन्होंने कहा हनुमान तुम भी कुछ मांग लो। रामचंद्र जी को लगा इसको तो कुछ ना कुछ देना ही चाहिए था, हनुमान को कहा बोले कुछ ले लो। बोले प्रभु मुझे आप मिल गए, मुझे और कुछ चाहिए नहीं। बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, मांगो कोई ना कोई बार मांगो। हनुमान जी मना करने लगे, सीता बोली नहीं देना है। और एक बार होता है ना कि आप किसी घर में जाओ भोजन करने, बोलना वो बोलेगा चाय पी लीजिए, बोले मैं नहीं पीऊंगा। अरे बोले कॉफी पी लीजिए, बोले नहीं पीऊंगा। लेकिन आजकल का जमाना उल्टा है, पीना तो बोल देना पीऊंगा, ये तो आप सोचोगे कि आप कॉफी के बाद में और ठंडा पूछेगा तो मामला खत्म हो जाएगा। ये पहले की बात थी कि आदमी चाय पी लो, बोले नहीं 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 पीऊंगा, बोला नहीं पीना पड़ेगी, नाश्ता कर लो तो खाना ले आएगा। आप सोचो कि मैं 2 बार मना करूंगा, 3री बार में तो लोग बोलेंगे चलो हटाओ। आहार में होता है, एक बार एक महिला आई, एक महाराज जी आहार ले रहे थे, आहार के बाद में कहने लगी महाराज जी आपने आज पापड़ नहीं लिया। महाराज जी कुछ नहीं बोले। फिर बोली महाराज जी आपने पापड़ नहीं लिया। महाराज जी कुछ नहीं बोले। 3री बार उसने कहा महाराज जी आपने पापड़ नहीं लिया। तो महाराज जी धीरे से बोले भगवान तुमने दिया कहां है भाई, महाराज जी के अपने हाथ से ले लेंगे। कहा सौभाग्यवती भगवान जो भी कहते हैं उसको उच्चारण से किया, और कहने लगे तुमने दिए देने का प्रयास कब किया। बोले अरे महाराज जी हो तो मैं अंदर ही भूल गई, अंदर भूल गई सामान, फ्रिज में सामान भूल गए, आपने लिया नहीं। अरे ले कैसे। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये तो हंस की बात है कि रामचंद्र जी ने कहा कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा, हनुमान ने कहा मुझे नहीं चाहिए। बोले नहीं लेना तो पड़ेगा। तो हनुमान जी बोले प्रभु लेकिन एक बात है, आप मुझे क्या दो। बोले तुम्हें जो पद चाहिए मांग लो, जो बर चाहिए मांग लो, जो इच्छा है वो मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा, सबको मैंने दिया है। तो हनुमान जी बोले, बोले रामचंद्र जी एक बात सोच लीजिए कि आपने सारी दुनिया को एक एक पद दिया, एक एक वरदान दिया, लेकिन मैं एक नहीं लूंगा, मैं तो आपका सहयोगी हूं, मैं आपका साथी हूं, मैं एक नहीं लूंगा। रामचंद्र जी को लगा चलो लाइन में तो आया कुछ तो लाया। बोले जो मांगना मांग, मैं तो बोले 2 वरदान मांगूंगा, 2 पद मांगूंगा। रामचंद्र जी बोले जो मांगना है मांग ले। बोले सोच लो। बोले बिल्कुल सोच लिया, तुम तो मांगो जो मांगना है। वह रामचंद्र जी के पास उठकर आया, बोले प्रभु सोच लीजिए बाद में ऐसा ना हो जाए। बोले नहीं सोच लिया है। वह रामचंद्र जी के पास में आया और उनके चरणों को पकड़ लिया और कहने लगा प्रभु मुझे दुनिया की कुछ भी संपत्ति दौलत कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो आपके दोनों पद चाहिए कि जब तक मेरे जीवन में श्वास है तब तक आपका आशीर्वाद आपका हाथ मेरे सिर पर सदियो बना रहे, मुझे इसके अलावा जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। क्या कहा रामचंद्र जी से, कहा मुझे 2 पद चाहिए, उनके दोनों पैरों को पकड़ लिया और कहा मुझे इसके अलावा जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। तो रामचंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें क्या दूं, वो तो तुमने खुद पकड़ लिया। जीवन में प्रसंग मिल जाए, अवसर मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए कि अपनी लघुता दिखाना चाहिए, और हनुमान की लघुता थी कि आज उस कारण से जहां जहां रामचंद्र जी हैं वहां पर हनुमान जी का समावेश अपने आप हो जाएगा। तो आज पर्युषण पर्व का, माघ के महीने के पर्युषण पर्व का 2रा दिन मार्दव धर्म है। मार्दव मारना है, मर्दन करना है, अहंकार का, मान का, जो हमारे अंदर उलट फुलट विचार हैं उनका, जो हमारे अंदर संकल्प विकल्प हैं उनको समाप्त करने का प्रयास करना है। और यह कब होंगे, जब हम अपने मन को सात्विक बनाएंगे, जब हम अपने वचन को अच्छा क्रियान्वित करेंगे। मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि बूंद जब मिटती है पिटती है तो वह जाकर सागर का पानी कहलाती है। मिट्टी जो होती है, मिट्टी को कुवार गधे पर लाता है, रौंदता है,
पानी डालता है, पानी डालने के बाद में चाक पर चलाता है, ठोकता है, बजाता है, जब जाकर कहीं वह सराही का रूप, मटके का रूप, कुल्लड़ का रूप लेती है। और आप विचार करिए, वही मिट्टी जो हम पैरों तले कुचल चुके हैं, वही मिट्टी जो हम पैरों तले कुचल चुके हैं, रास्ते में चलते समय हो सकता है कि वही मिट्टी पैरों तले हमारे कुचली जा चुकी है, लेकिन जब मिट्टी पिट गई, मिट गई, तो उसके बाद में वह मिट्टी इतनी पवित्र पूजनीय हो गई कि कई बार तो मंदिर के हवन कुंड में भी लग जाता है, और कई बार तो वह हमारे होंठों को भी स्पर्श कर जाती है। जब कुल्हड़ बनती ना, तो कुल्हड़ में चाय दूध पीता है, तो आदमी वह क्या होता है, कुल्हड़ में अपने होंठों को लगा लेता, वही मिट्टी है जो आपने, हो सकता है कि 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 2 महीने पहले पैरों से रोपी गई होगी, पैरों से आपने निकाल दी गई होगी, लेकिन वही मिट्टी अपना जब अस्तित्व छोड़ती है तो वह जाकर होठों को लग जाए, वह जाकर परमात्मा के चरणों में लगने वाला दीपक बन जाए, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो जिंदगी में मर्दन करिए, दमन करिए और अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जाइए। तो हमेशा क्या कहना है कि हम, हे भगवान, हमारा जो जीवन है, हमारी जो श्वास है, वह जब तक चले, जब तक देव सास गुरु आपकी छत्र छाया में चले, आपके आश्रित होकर चलें, हम लोग निराश्रित हैं, आप ही हमारे जीवन के सहारे हैं, आप ही हमारे जीवन के पालनहार हैं, आप ही हमारे जीवन के तारणतार हैं। वो आप लोग एक भजन गाते ना, कहते हैं, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमारा कोई नहीं। क्या कहते हैं भाई, ओ पालनहारे मतलब पालना झुलाने वाले नहीं, जिंदगी के पालनहारे। आज पालना वाला का मामला, पालना में तो आदमी दूसरा बड़ा हो जाएगा। ओ पालनहारे निर्गुण और निरारे, कि आप सारे दुनिया के पालनहारे हो और तेरे बिना हमारा कोई नहीं, ये भावना भाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन कल्याण होगा। तो हम हमेशा भावना रखें कि हम देव सास गुरु की छत्र छाया में रहें, माता पिता के संसर्ग में रहें, गुणीजनों के संसर्ग में रहें, संस्कारों के युक्त रहें और अपने जीवन का कल्याण करें। इति अल्पम आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन सभा जंगपुरा भोगल दिल्ली, प्रधान प्रवीण कुमार जैन, उप प्रधान प्रवीण कुमार जैन RPJ, महासचिव राकेश कुमार जैन, सह सचिव दीपक जैन गढ़ी, कोषाध्यक्ष राजेश जैन HPL।